हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है, गोल्डन पीरियड है भाई ये तो, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। और डिटेल से डिस्कस करना है, इम्पॉर्टेंट है, तो एक ही वीडियो में डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम इस एलिजाबेथन एज को हम पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, और इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में, मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिडल इंग्लिश पीरियड को हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है, बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर चौसर। और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की सीरीज है, जो कि क्रोनोलॉजिकल मैं अपलोड कर रही हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप देखते रहिए, सुनते रहिए, तो इन्जॉय करते रहिए। तो एलिजाबेथन एज को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और इस में हम इंट्रोडक्शन करेंगे एलिजाबेथन एज की। ये पार्ट वन है, तो डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एलिजाबेथन एज को शेक्सपियर एज भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गोल्डन एज, और ये 67 ईयर तक ये एज मानी जाती है। और एलिजाबेथन एज का जो टाइम है 1558 से शुरुआत मानी जाती है एलिजाबेथन एज की, और इसका एंड माना जाता है 1625। और मगर हमने ये तो देखते हैं एलिजाबेथन एज, और क्वीन एलिजाबेथ थी ना, जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो 1558 को उनके वो यानी कि थ्रोन पे बैठती हैं, और 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। मगर हमने फिर भी एलिजाबेथन एज 1625 तक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ऐसे नहीं है कि 1603 में उसकी डेथ के बाद, क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इस एलिजाबेथन एज की भी एंड हो गया। नहीं, ये एलिजाबेथन एज का एंड 1625 तक माना जाता है। और एलिजाबेथ के बाद कौन आता है गद्दी पे, कौन थ्रोन पे बैठता है, वो होते हैं जेम्स वन, जिसको 1603 में वो आते हैं गद्दी पे। ओके, तो शुरू करते हैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे। एलिजाबेथन एज हमने देखा ही है 67 ईयर तक माना जाता है, और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो 21 ईयर हैं, जो फर्स्ट 21 ईयर हैं इस एज के, उसको हम प्रेपरेशन मानते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसको मिडल इंग्लिश का यानी कि आफ्टर चौसर के पीरियड में भी थोड़ा सा आ जाता है, प्रेपरेशनरी पीरियड ही चल रहा है ये भी। और 24 ईयर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स प्रोड्यूस हुए, और इसको गोल्डन एज माना जाता है जो 24 ईयर्स हैं। ओके, देन 22 ईयर्स हैं जो लास्ट हैं, ये न्यू किंग आ जाता है, जिसमें डिक्लाइन भी देखने को मिलता है और न्यू एरा शुरू होता है। ओके, जिसको हम न्यू एरा होता है, जिसका नाम होता है जैकोबियन एज। तो एलिजाबेथन एज में को ये गोल्डन एज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इस समय पे होता क्या है, पॉलिटिकल भी स्टेबिलिटी हो जाती है। पहले जो जितने भी 100 ईयर्स वॉर और वॉर ऑफ रोजेस चल रही थी, वो सारी जो वॉर चल रही थी, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। जब पावर ऑफ चर्च, जो चर्च का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था राइटर्स के ऊपर, वो भी डिक्रीज हो जाता था, हो गया था इस टाइम ऑफ पीरियड में एलिजाबेथन एज में। और प्रॉपर सिस्टम से वर्क चल रहा था, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो रही थी, डेवलपमेंट एज भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी। और जो क्वीन एलिजाबेथ थी, वो सेकुलरिज्म में विश्वास रखती थी, वो किसी भी धर्म को बड़ा या छोटा नहीं मानती थी, वो सबको इक्वल ट्रीट करती थी। और इसीलिए जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट से, जैसे हम मुस्लिम समाज में भी देखें, वो भी सुन्नी और शिया में डिवाइड किया हुआ है, और ऐसे ही जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, दैट इज़ अ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक थे वो अच्छे से, वो अपने आप को तो सुपीरियर मानते थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे, जिसकी वजह से बहुत हॉच, मतलब रिलीजन, रिलीजियस तौर पे बहुत ज़्यादा हम बोल हॉच पोच हो रही थी। मगर जो क्वीन एलिजाबेथ ने आकर सब कुछ ठीक कर दिया। उन्होंने सेकुलरिज्म, वो उन्होंने सबको इक्वलिटी दी, सबको इक्वल राइट्स दिए। तो अब जो कोई भी अगर डिसीजन होता था, वो रिलीजन के बेस पे नहीं होता था, क्वीन एलिजाबेथ रीज़न और साइंस के बेस पे डिसीजन लेती थी। इस
इसीलिए भी इसको एज ऑफ रीजन एंड साइंस भी बोला जाता है। एलिजाबेथन एज में बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए, जैसे पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में भी, इकोनॉमिक्स में, रिलीजन में, सोसाइटी में, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस भी और आर्टिस्टिक ट्रेंड्स में भी। पॉलिटिक्स में कैसे, पॉलिटिक्स में ऐसे के पॉलिटिक्स में भी स्टेबिलिटी आई थी, हमने पहले डिस्कस कर लिया है, रिफॉर्मेशन आ गई थी। इकोनॉमिक्स में भी ग्रोथ, क्योंकि अब कोई वॉर नहीं हो रही तो डेवलपमेंट हो रही है तो इकोनॉमी भी अच्छी होगी, है ना। तो आगे आ जाता है रिलीजन, ये हमने पहले ही बात की है कि सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे रही थी क्वीन एलिजाबेथ, और सोसाइटी में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता था, और वुमेंस की भी थोड़ी सी हालत ठीक हो गई थी क्योंकि जो राज करने वाली वो भी तो एक वुमेन थी। इसीलिए तो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि अब ना चर्च का और कोर्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था राइटर्स के ऊपर, इसलिए वो फ्रीली अपना वर्क लिखते थे। तो इसलिए न्यू आर्टिस्टिक ट्रेंड्स भी शुरू हो गए थे एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन एज के हमने बात की है अभी, इतने इतने रिफॉर्मेशन हुई, इतना इतना, मगर ये तो है प्रोज एंड कॉन्स तो साथ साथ चलते हैं भाई। ये चैलेंजिंग भी थे इस एज में, चैलेंजिंग कौन कौन से, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, यानी कि सिर्फ हम बात करें तो सिर्फ 40 ईयर तक का था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम इन वेरी सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले तो, जो हमारी, जैसे हम कहते हैं ना भी हमें इतना सा है भी, हम चलो इंडिया में रहते हैं हम 60 ईयर तक तो जी लेंगे, है ना, मगर एलिजाबेथन एज में बस ऐसा मानते थे लोग भी, हम तो बस भी 40 ईयर तक की एज होगी हमारी, उसके बाद हमने मर जाना है। तो ये 40 ईयर तक थी वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये इस ऐसा क्यों था, बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ कंडीशन। तो ऐसा ये डाटा है, अगर आप देखो तो 5% जो बॉर्न बेबीज थे वो विद इन अ फर्स्ट वीक ही उनकी डेथ हो जाती थी। 40% जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, वो 15 साल की एज तक आते आते उनकी डेथ हो जाती थी, और 100 में से एक माँ भी बर्थ के डिलीवरी के समय उनकी डेथ हो जाती थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बहुत ज़्यादा चैलेंज था एलिजाबेथन एज में। देन आ जाता है पेट्रार्की, पेट्रार्की का जैसे वुमेन को इन्फीरियर कंसिडर किया जाता था, क्योंकि वो हम बोले तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी तब भी, फिर भी चलो थोड़ा बहुत सुधार आया, मगर फिर भी इतनी नहीं जितना होना चाहिए, वुमेन को इन्फीरियर ही कंसिडर किया जाता था, चाहे वुमेन मनाक भी एक वुमेन थी, मगर फिर भी इतनी ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी, ठीक थी कंडीशन, थोड़ी सी पहले से थोड़ी सी बेटर बोल सकते हैं, बट नॉट सो गुड, है ना, वी कैन से जितनी होनी चाहिए। एजुकेशन की अगर बात करें तो वुमेन्स को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, थोड़ी सी जो फ्यू आर्टिस्ट अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करती थी वुमेन्स गर्ल्स, वो ही एजुकेशन लेती थी। इनहेरिटेंस की बात करें तो वुमेन्स को अपने पिता की प्रॉपर्टी में से कोई भी उनको हक भी नहीं मिलता था, पैसे भी नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन बोल सकते हैं वुमेन्स की। तो और चैलेंजेस क्या थे, माइग्रेशन टू लंदन, तो जैसे हम बोलते हैं वो बोलते हैं शहरीकरण हो रहा था, शहरीकरण हो, अर्बनाइजेशन हो रहा था, लोग जो अर्बन एरिया के, रूरल एरिया वाले अर्बन एरियाज वाल की तरफ जा रहे थे, तो माइग्रेशन कर रहे थे लंदन की तरफ, क्योंकि डेवलप्ड सिटी हो गई थी ना लंदन, लंदन में तो क्या है जी, डेवलप्ड सिटी होने की वजह से लोग वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी, तो यहाँ पे आना शुरू कर दिया। तो इंग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अगर इंग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक हिस्से को हम साउथ एंड ईस्ट बोलेंगे, जो बहुत डेवलप्ड एरिया था, दूसरा हिस्से को हम नॉर्थ एंड वेस्ट बोलेंगे, ये बैकवर्ड एरिया था। और लंदन की तरफ क्योंकि लोगों ने आना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हुआ क्या, ये ओवर क्राउडेड सिटी बन गई थी लंदन, तो ओवर क्राउडेड होने की वजह से हुआ क्या भाई, इन्फेक्शन हो गई, डिजीज़ हो गई। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैक डेथ, जिसको बुबैनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, 1563 में भाई ये इन्फेक्शन बहुत फैल जाता है, जैसे ये इसकी, इस इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है, इवन क्वीन एलिजाबेथ भी लंदन को छोड़कर चली जाती हैं विंडसर कैसल।
तो ये बहुत इस ऐसा माना जाता है, ये ब्लैक डेथ बहुत ज़्यादा ऐसा इन्फेक्शन थी, डिजीज़ थी, इसको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलती हैं, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन मानी जाती है इंग्लैंड की, उसको इस बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी इस समय। और ये इन्फेक्शन बार बार आया, जैसे 1563 में आया, उसके बाद 1593 में, देन 1603 में, और 1608 में भी ये इन्फेक्शन आता रहा है, ब्लैक डेथ। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्वीन एलिजाबेथ कहाँ पे चली गई थी, लंदन को छोड़कर ये विंसर कैसल में चली गई थी। क्यों चली गई थी? बिकॉज ऑफ ब्लैक डेथ। ओके, देन आ जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट इस टाइम ऑफ पीरियड की अगर बात करें, है स्पैनिश आर्मेंडा। स्पैनिश आर्मेंडा ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये एक वॉर है, इसका मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे से आपने सुनना है। स्पैनिश आर्मेडा ये 1588 में आया था, ये मतलब हुई थी, ये लड़ाई हुई थी स्पैनिश, और ये क्यों हुई थी ये सारा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलिप सेकेंड थे, वो स्पेन के राजा थे, और मैरी फर्स्ट उसकी वाइफ थी फिलिप सेकेंड की, और जो मैरी फर्स्ट थी, जो एलिजाबेथ थी, क्वीन एलिजाबेथ थी, उसकी सिस्टर थी, यानी कि ये हम बोलें फिलिप सेकेंड एलिजाबेथ के जीजा जी थे। तो जो मैरी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद फिलिप सेकेंड हैं वो प्रपोज करती हैं एलिजाबेथ को, मगर वो मना कर देती है कि वो तो वर्जिन ही रहना चाहती है, जिसकी वजह से ये तो आग बबूला हो जाते हैं फिलिप, और फिलिप बहुत एंग्री हो जाते हैं, और इसीलिए भी एंग्री हो जाते हैं क्योंकि जो एलिजाबेथ है वो सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है, और वो प्रोटेस्टेंट को भी इक्वली ट्रीट कर रही है कैथोलिक जैसे, मगर ये कैथोलिक्स हैं जो ये फिलिप टू है वो भी एक कैथोलिक था, इसी वजह से ये दो कारण हैं, एक तो उन्होंने मना कर दिया था शादी करने के लिए, और दूसरा ये इक्वली ट्रीट कर रही थी प्रोटेस्टेंट्स को भी एज अ कैथोलिक। ये दो कारण हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है, और ये अटैक करना करता है इंग्लैंड पे अटैक करना चाहता है विद रोमन चर्च, इनकी रोमन चर्च की हेल्प से ये अटैक करने में जुट जाता है। तो ये क्या करता है फिलिप सेकेंड, करता क्या है, इसके पास 130 तो शिप्स होते हैं, 2,500 गन्स होती हैं, 8,000 जहाजी होते हैं, एंड 20,000 सोल्जर होती हैं। इतनी बड़ी तादाद में इसके पास हम बोल सकते हैं इसने तैयारी की है इंग्लैंड पे के ऊपर भाई अटैक करने की। तो ये अटैक होता है 29th of July 1588 को, तो इतना कुछ उसने तो तैयारी की है। तो अब ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भाई अब तो नहीं रहेगा, ये तो सत्यानाश हो जाएगा, इंग्लैंड नहीं बचने वाला, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर होता क्या है, स्पेन ने अभी ये तैयारी में जुटा हुआ है कि वो ब्रिटेन वाले ही पहले ही उस पर अटैक कर देते हैं, और वो एक न्यू टेक्निक अपनाते हैं। वो टेक्निक क्या करते हैं, वो अपने ही जो शिप्स होते हैं उनको आग लगा देते हैं, बर्न कर देते हैं, और भेज देते हैं उनको स्पेनिश शिप्स के तरफ, और जिसकी वजह से उसके जो स्पेनिश शिप्स होते हैं वो भी हो जाती हैं भाई डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसमें होता क्या है इंग्लैंड की जीत हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एलिजाबेथन एज में ये स्पैनिश आर्मेंडा जो जेम्स सेकंड के साथ हुआ था 1588 में, इंग्लैंड इसमें जीत जाता है। तो इसमें होती है विक्ट्री इंग्लैंड की, इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी भाई, अब भी हाँ हम भी हैं कुछ, इंग्लैंड भी है कुछ। तो अब क्या है जी, जीत भी गया तो ब्रिटिशर चाहते हैं ट्रेड करना, व्यापार करना चाहते हैं। तो एक ऐसा भी ग्रुप था ट्रेड का जो और कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना चाहता था, और फ्यूचर में जाकर यही जो ग्रुप था जो फॉरेन कंट्री में जाकर ट्रेड करना चाहता था, इसी ग्रुप को ने मिला ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने और कंट्रीज़ में जाकर
कलोनीज बनानी शुरू कर दी और अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, और इसी से स्टार्ट होता है कलोनलिज्म। तो कलोनलिज्म भी यहाँ से स्टार्ट होता है एलिजाबेथन एज में। और अब हम बात करेंगे एलिजाबेथन एज के लिटरेचर की। लिटरेचर के बारे में भी तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले पार्ट्स में भी, मगर थोड़ा सा तो बनता है ना। एलिजाबेथन एज का जो लिटरेचर है, तो ड्रामास की अगर बात करें तो ड्रामास की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामास में इंटरल्यूड्स आते हैं, ये भी एक इंटरल्यूड्स होते हैं, ये भी टेक्निक है, एक वन टाइप ऑफ टेक्निक ऑफ ड्रामा, ड्रामा की ही एक टेक्निक है, जिसको पॉपुलराइज हुए थे 16th century में। और ये एक टाइप के मोरेलिटी प्लेज होते थे, और इंटरल्यूड्स में गुड बिहेवियर शो किया जाता था कि हमें कैसे गुड बिहेवियर करना चाहिए, शॉर्ट होते थे और ये बिल्कुल रियलिस्टिक होते थे। ये इंटरल्यूड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके, एलिजाबेथन एज में ही शुरू हुए थे। आगे हम देखते हैं जॉन हेवुड थे, ये एक कोर्ट म्यूजिशियन थे, ये एंटरटेन करते थे कोर्ट में, हेनरी एट जो किंग थे उनके कोर्ट में ये एंटरटेन करते थे, जो के म्यूजिशियन थे जॉन हेवुड। तो जो हेनरी एट कौन थे, हेनरी एट थे फादर थे क्वीन एलिजाबेथ वन के। तो जॉन हेवुड का एक प्ले था, दैट इज़ 4 P's, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले 4 P's। और ये 4 P's का मतलब क्या क्या है, पैडलर, पामर, पार्डनर, पॉटिकरी, दीज आर द मीनिंग ऑफ 4 P's, ओके। तो इसमें जो 4 characters हैं वो एक दूसरे को झूठ बोलती हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमर क्रिएट होता है। ये जॉन हेवुड का प्ले है 4 P's, ओके। देन आगे हम बात करते हैं निकोलस उडाल की। निकोलस उडाल ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं पर्सनैलिटी हैं। ये हेडमास्टर थे एटन स्कूल के, और इन्होंने राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर लिखा, जो 1551 में प्रोड्यूस हुआ, और इसको राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर को फर्स्ट रियल इंग्लिश कॉमेडी प्ले कंसिडर किया जाता है। तो आगे आ जाता है ग्रामर्स गर्टन्स नीडल, ये भी ग्रामर्स ने लिखा था, गर्टन्स नीडल 1575 में, जो कि एक ह्यूमर प्ले है, और ये प्ले 16th century की सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ये जो वर्क ग्रामर्स गर्टन्स नीडल 1575 में आता है, मगर फर्स्ट रियल इंग्लिश कॉमेडी है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर 1551 में आती है। एलिजाबेथन एज के और लिटरेचर की अगर बात करें, तो इस एज में इंट्रोड्यूस हुआ कॉमेडी भी थी ट्रेजडी भी थी। पहले अलग अलग लिखी जाती थी, कॉमेडी अलग होती थी ट्रेजडी अलग होती थी, और इसमें इस एज में क्या हुआ, दोनों को मिक्स कर दिया, जिसको नाम दिया गया ट्रेजी कॉमेडी। तो ऑडियंस भी एंटरटेन चाहती थी, इस एज में एंटरटेनमेंट करना चाहती थी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या इसमें सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, जैसे बोलते थे भी ट्रेजडी में ये रूल फॉलो होने चाहिए, मगर इस समय की जो एलिजाबेथन एज की ऑडियंस थी वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहती थी। तो इस समय ये भी कारण माना जाता है कि न्यू ट्रेंड्स आ रहे थे, न्यू जॉनर्स आ रहे थे, न्यू टाइप्स लिखा जा रहा था। तो क्योंकि चर्च का और कोर्ट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था राइटर पे, तो ड्रामाटिस्ट को पूरी तरह फ्री थे, अब वो न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से न्यू जॉनर्स आ रहे थे। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ एलिजाबेथन एज में ही। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की इंट्रोडक्शन ही की है। अब वेट कीजिए अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।